अच्छी बात है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है काम मिल जाएगी।
प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में आपकी क्या विचार है? जैसा कि मैं किसी भी ऑफिसर बनने जा रहा हूँ, हर गवर्नमेंट मेरे लिए अच्छी रहेगी, विशेष नजरिया कुछ नहीं है, सभी गवर्नमेंट लोकसभा के लिए काम करती है, पूर्ववर्ती सरकार भी कर रही थी, मेरा वर्क है कि मैं उसको दिन तक पहुँचा। आप जॉब चेंज कर रहे हैं, ऑलरेडी आप आईटी में हैं, तो आप को नहीं लगता है कि आईटी इज आल्सो गुड डिपार्टमेंट? गुड डिपार्टमेंट जैसा कि क्या हुआ था, मैं सर मैं जा रहा था, रास्ते में रोड एक्सीडेंट हो गया, उसमें क्या हुआ कि उस व्यक्ति को टाइम पर एम्बुलेंस वगैरह की हेल्प ना मिलने की वजह से उसको काफी ब्लड रिलीज हो गया और जब तक उसको हॉस्पिटल ले गए वो डेड हो गया। उसके बाद मेरे मन में आया कि हम आई टी डिपार्टमेंट में अच्छी सेवा तो करते हैं, सामाजिक सेवा इस तरह की सेवा नहीं कर पाते डायरेक्ट टच की, और सेकंड है क्योंकि हम कर इकट्ठा करते हैं देश की योजनाएं इससे चलती है, ये भी एक प्रकार की सेवा ही है, तो एक प्रत्यक्ष सेवा नहीं है, प्रत्यक्ष सेवा है, और मेरा मन है प्रत्यक्ष सेवा। जैसे मैंने आपको बताया कि उस व्यक्ति को अगर मैं पुलिस डिपार्टमेंट में या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में होता तो तुरंत उसको देखा देखिए उसका जीवन बचा सकता। तो आपको लगता है कि आप ज्यादा इफेक्टिव वर्क कर सकते हैं अगर आप डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में, वैसे हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे रखी है कि पर्सन एक्सीडेंट हुए हैं तो यू कैन हेल्प यू, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू इवन योर नंबर एंड इवन योर सपोर्ट व्हाई यू आर एट ऑल, बट चलिए आपके पास सही कि इफ यू आर इन एडमिनिस्ट्रेटिव यू कैन हेल्प इन अ बेटर वे, दैट्स व्हाई यू आर कमिंग एडमिनिस्ट्रेटिव। My behavior is soft और सभी से एक उम्मीद की मैं बात करना पसंद करता हूँ, और ऑफिस में आने वालों की समस्याओं को समझता हूँ, उनको दूर करने का अपनी तरफ से जहाँ तक हो सकता है। और आपको देख के लगता नहीं कि आप घूमने में मिलने वाले इंसान हैं, आप इस बात से एग्री करते हो? Yes sir, because I am totally professional. मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ऑफिस में जो व्यक्ति मुझे एक बार मिले दोबारा मुझे नाम मिले उस काम के लिए, बार बार चक्कर लगवाना मुझे अच्छा नहीं। तो आप काम में ज्यादा विश्वास? Yes sir. अगर आपको चॉइस मिले कि आपको इन फाइव कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरी सबसे अच्छी लगती है अपनी जॉब प्रोफाइल में, तो आप किसको चुनेंगे? आपको नहीं लगता आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाएगी? हाँ सर, अभी डेफिनेटली हूँ। आप तैयार हैं उसके लिए? और आपको ये भी मालूम होगा कि अभी आप डूइंग योर जॉब जस्ट नियर योर सिटी, सो फॉर दैट यू आर बिल्डिंग योर हाउस, यू आर बिल्डिंग योर स्टेट इवन, यू आर रेडी फॉर दैट? यस सर। What type of books do you read? Motivational books for them. Okay. Which favorite books ke naam batao? Who Moves My Cheese. Okay. Marks and Spencer's character. Okay. Kitab ki Shindra is character. Aur famous book. Jo har Hindustan mein padhi jati hai. Kitab. Favorite sports? Third sports, man. School time I got up there. Table tennis. What? What now is it? Let me see. Of course, man. Bodybuilding training. Thank you.
सब डिटेल सीखते हैं। इस समय देश में सीआरआर कितना है? 6.75। हमारे से पूछिए क्या श्रीधर रेशो की बात कर रहा हूँ? ये जो आरबीआई है ये बहुत से रोल्स अदा करता है। यस सर। मेजर इसका रोल क्या है? मेजर सर सबसे मेजर रोल तो जी नोट छापना है इसका। नोट तो जब छापने की जरूरत होती है, इसके अलावा ये बहुत कुछ करता है, आपको पता होगा क्योंकि हर समय हर दिन ये नोट ही छापता है। इसके अलावा इसका मुख्य कार्य है जी मुद्रास्फीति को रोकना। हाँ, अब कुछ आप ट्रैक पर आ रहे हो और कुछ? और बैंकों को कंट्रोल करना। ओके। और कोई और फंक्शन नहीं जाना आपको? देश में आज का करप्शन ज्यादा चल रहा है, इसे रोकने के लिए सर। करप्शन ज्यादा चल रहा है, इसे रोकने के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए सरकारों द्वारा, लेकिन उनका सही उपयोग नहीं होता। करप्शन दो तरह से होता है, एक तो कर्मचारी द्वारा किया जाता है और एक व्यक्ति के प्राइवेट व्यक्ति द्वारा खुद उकसाया जाता है करप्शन करने के लिए। जैसे अगर आप 4 सिलेंडर ले रहे हैं, ठीक है, और आपको जरूरत 8 की है, तो आप 4 सिलेंडर और लेने के लिए ऑफर करेंगे। लागत एक मानवीय प्रति है, उस प्रवृत्ति को बहुत कम व्यक्ति है जो रोक पाते हैं। और मेरा मानना जानते गए जहाँ तक सरकारी भवन को करप्शन है, उससे कई गुना ज़्यादा प्राइवेट भवन। आपका क्या मानना है, क्या कोई वन वे है इसको रोकने में? इसका एक वन वे है जी, उसको समझाया जाए। ब्लैक मनी इन दिनों हमारे कंट्री में बड़ा फेमस वर्ड होता है, इसके बारे में कुछ बताओ आपकी क्या है? ब्लैक मनी उस धन को कहा जाता है जिस पर टैक्स अदा ना किया जाए। बहुत सारे व्यक्ति और फर्में अपने धन को टैक्स हेवन देशों में ले जाती है जहाँ पर कोई टैक्स नहीं देना। इससे क्या होता है कि बहुत सारा देश की मुद्रा बिना टैक्स दर्शा के उससे अंतिम लाभ कमाए। इसलिए
बात करते हैं जी, उनको क्या है गोरा होना है, क्रीम लगा लो, ये नहीं बताते कि हमें इक्वल होना है। इतने 25 साल उसको याद नहीं आया कि मैं काली हूँ, उसके बाद याद आ गया था मैं क्रीम लगाई और गोरी हूँ। तो वो एक्चुअली में क्या है कि एटमोसफेयर मीडिया द्वारा इस तरह बना दिया गया है कि लेडीज को लेडीज में रह के आदमी बना दिया, आदमी को ये कह रहा है कि मशीन वॉर्डर की उसके अंदर वो कपड़े धोरी होती है, वो व्यक्ति की बॉडी देख के हाँ जी जैसे ऐसे देख पाई जाती, इससे मानता नहीं आएगी। तो मीडिया कर रही है, गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, पर मीडिया ही बहुत प्रभावित होते हैं, मीडिया ज्यादा प्रभावित है। मैम अंधविश्वास के बारे में हमारे इंडिया में जाना psychology of teaching and learning, then main subject was field marketing. Okay, in these topics are same common every time. You have done your BA, you didn't prefer to go for first grade lecturer or principal. फिर उसने सब कुछ छोड़कर वापस जीरो में चला गया,
बच्चे ने उनको जानते हैं, उनके कोई दो चार दोस्त नहीं जानते हैं, और कोई ऐसा भी जो आप फॉलो करते हैं। टीचर बने तब आपको अच्छा लगा स्ट्रेंथ्स में मेजर कौन सी स्ट्रेंथ बताएंगे? अगर आपसे एक स्ट्रेंथ पूछिए कोई एग्जांपल दो अपनी लाइफ का जिसमें आपने इनिशिएटिव लिया हो।
प्रॉब्लम नहीं आपको शिकायत करने में? हाँ आपको नहीं महसूस होगा कि मेरे सीनियर है मेरे? नहीं लगेगा आपको? नहीं। गलत गलत अभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी ईमानदारी दिखाई हो किसी अपने फील्ड के अंदर, क्योंकि आपका तो फील्ड ऐसा ही है अभी तक, ऐसा ही है, ऐसा चांस आपको नहीं मिला है आपको अभी तक डिसेंट लोग ही मिले। What type of people you can't work with? किस तरीके के लोगों से आप नहीं चल सकते? किस तरीके के लोगों से चलना आपको अच्छा लगता है? आपको प्रेफरेंस देंगे तो लोग इनिशिएटिव लेते हैं। नया करने की इच्छा रखते हैं। उनके साथ थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मान लीजिए आपके शहर के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही है और आप हमारी तरफ से सिलेक्ट हो चुके हैं और आपको कंट्रोल करना है, पर द पुलिस इज नॉट कोऑपरेटिंग यू प्रॉपरली एंड द ऑपोजिशन पार्टी के लोग हैं जो आपके अगेंस्ट खड़े हैं सामने वाले, वो भी आपको इतना अच्छा कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? सबसे पहले तो अपने रिसोर्सेज और साधन है और जो विकल्प उपलब्ध होंगे अपने बेस्ट विकल्प को चुनेंगे और जनता को समझाने का कोशिश करेंगे। राइट, और कुछ अपनी ऑन द स्पॉट पर जैसी परिस्थिति होगी उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स लीजिए प्लीज। सी द इंटरव्यू वाज गुड, यस सुरेंद्र हैज गिवन अ गुड इंटरव्यू, बट द मेजर थिंग व्हिच आई फाउंड व्हाइल टेकिंग द इंटरव्यू, ही मेंटेन गुड आई कॉन्टैक्ट, गुड पोस्चर, ऑल थिंग्स वर गुड, एंड इवन सम ऑफ हिज आंसर्स, कई इनके आंसर्स थे जो हाइपोथेटिकल थे, एंड ही हैज ट्राइड हिज बेस्ट टू गिव द बेस्ट आंसर्स। सम ऑफ हिज ड्रॉबैक्स वर द मेजर ड्रॉबैक व्हिच आई फाउंड दैट मेनी टाइम्स ही शोड हिमसेल्फ दैट ही इज अगेंस्ट द इंटरव्यूअर, एंड सिंस ही इज अ इंटरव्यू ही शुड नॉट बी अगेंस्ट इन एनी मोमेंट, इवन for the slightest thing he should show as if that sir or ma'am I read so, although if you are saying it I'll just reconfirm myself again, that's the best way to handle it. Another more thing which I found is that while giving answers the candidate should not contradict with the person and he is not liable to ask questions, although the interview took almost half an hour or 45 minutes. But even if the interview goes wrong, the person should not get panic at all and he should get make his relaxed posture. I have seen Surinder smiling twice during an interview. That was a good thing. And some questions to demoralize him, he even handled them in a proper manner. I have seen good eye contact, but he should be having confidence to look in everybody's eyes instead of looking the person who is only questioning him. And the major thing which I found in Surinder is the good thing is his file. There was a proper documentation, the things were placed in a specified manner, and while receiving and while taking, the best thing, the candidate should use both hands. Like suppose if I have to pass this laptop to Kiran, I will pass in such a manner. Kiran, please. I cannot pass Kiran. I can't. And while receiving even, you should use both hands and say thank you again, as if Kiran has said it. Thank you, Kiran. You should say like this. And then you should keep it in your arms. The dressing of a candidate was good. His behavior was good. He tried his best to give the best interview.
स्टिल आई फील दैट इफ स्लाइट चेंजेस इन द नेचर एंड सम पोस्चर्स वाइल आंसरिंग इम्प्रूव बाय द कैंडिडेट इट विल बिकम आइसिंग ऑन द केक इन हिज पर्सनालिटी बिकॉज हिज इंटरव्यू इज ऑफ आरएएस एंड इन सच ए इंटरव्यू वी विल नॉट टेक इवन अ 1% कॉम्प्रोमाइज सो आई बिलीव दैट इफ ही विल गो थ्रू दीज पॉइंट्स अगेन एंड ट्राई टू शो हिम एज एन एमिएबल पर्सनैलिटी then he can deliver a better manner about his qualifications, about his achievements, about his friends. He has shown to us that he has read a good books and he has a good power also saying that I have read motivational books. That's the best thing in interviews. I appreciate that. Even he was having the names of writers. That's really appreciable that he still knows the names of the books which he has read. So that's appreciable part. And I believe that the interviewer will definitely ask about the details. But he should not contradict about Chanakya. When he is good, he should be totally good. I want him that he should not be 99%. He should be 100%. He should show himself, even if you are against somebody, if you are contradicting somebody, on the point of interview, you should not do this thing. You can do such things in your personal life among your friends. But during an interview, you should always try to resolve the matter instead of increasing or instead of developing quarrel among the people. I have seen in Surinder many good points. The way he enters was good. He wished properly. The candidate should wish the all the interviewers after coming on a proper place. First, your duty is to come near the chair. At least the best possible place with the chair, and then you should wish. That's the best way. And the wishing should be together. If there are two males, three females, they should say, "Good morning, sir. Good morning, madam." That's enough. We should not say, "Good morning, madam. Good morning, madam. Good morning, sir. Good morning, sir." No, we should not. We should respect. We should obey them together. Yes, male and female, we can make a difference. Otherwise, we should wish in a such a manner. His sitting was appropriate. His posture was good. Among these 45 minutes, he didn't even move. That's a good point in him. Even the tone was good. Because many times I have seen during interviews, the candidate's tone is not good. So if we make his tone better, then he can show his personality in a more better manner. And we are knowing itself that during an interview, body language gives us 55% of the marks and tone is giving us almost 38% and hardly 7% relates with the words. So when I asked him about the literacy of Ganganagar, he was not aware. Doesn't matter for that because nobody, many of the people, those who are not aware the birth date of Sonia Gandhi, that doesn't matter that he didn't get selected for that. Because if you are not knowing any authentic data, that doesn't harm you at all. But when you doesn't know about your views, when you can't give your own details, that may happen. So during an interview, I have seen Surinder has given to me answer of black money. He has given me answer of money laundering was good. Factual data, if you are not knowing, like I asked about RBI functions. He tried his best, he has given 2. He should give even more than 10, provided he has read. If he hasn't, he has still time, he can read. Even an interviewer can ask about the policies of RBI. They can ask about the monetary policy, they can ask about the fiscal policy, Rajkoshiya Niti. During an interviews, I asked from Surinder about CR, cash reserve ratio. It's a very common question. But the percentage which he has shown was quite different. If he is not aware, doesn't matter because that's a factual matter. But if he stops talking with me about money laundering, that gives a big harm to his interview. So factual data, if the candidate
रिगार्डिंग योर ओन व्यूज इफ यू से सर आई डोंट वांट टू से एनीथिंग दैट हार्म्स अस इफ आई आस्क इवन अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ दिस नेशन प्रेजेंट गवर्नमेंट एट लीस्ट फ्यू व्यूज आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू से गुड और बैड बट यू शुड से दैट सर द आई हैव सीन सच स्कीम्स हैज बीन लॉन्च्ड दिस हैज कम योर व्यू यू आर नॉट सपोज्ड टू जज which scheme is better and which is harmful for the nation and which is not good, which is not running properly, not at all. Even the gold scheme which the government has approved doesn't work properly. But we are not here to justify good or bad. But when somebody asks, or especially an interview like Aryas, if they ask you this about the government, you are not liable to tell whether the government is good or bad. Yes, you should know. As Surinder has participated, that I don't want to say anything, I'm an administrative officer. So I am liable to work on it. But some additional points I want to hear from him. Whatever schemes, and the main thing is that he knows already those schemes. And if knowing something and not uttering them is not giving us a good marks. Because the person doesn't know that whether he knows or not. He may only know when he answers. So I want him that he should tell something extra. When somebody asks some open-ended questions, these questions are some open-ended, where you are supposed to tell anything. Thing like interview, introduction. I want that Surinder should tell two or three more lines about Ganganagar. He has a good command. During my last interview, he has given me a good statement about Buddha Johar, about the Jaisal plant made by Russia. He has given me good answers. It means that he has a good command of Ganganagar. People would ask, these interviewers would ask about his Rajasthan. Even they can ask about the world also. So, although he must have tried his going on, he must have a knowledge. And I suggested my colleague to study more on his current newspapers, whatever is going in the nations, they may ask. About some politician, name of the politician leaders even. Even about your own city, he should know. So, I make him that it's time to tell him best of luck, best wishes, and I'll scrutinize this interview again with him on laptop, and we will discuss the pros and cons that what improvement still we can make and give a better interview present after this. Okay? Thank you.